नमस्कार, सिटी समाचार में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। सराफा व्यवसायियों ने किया रेल रोको। शहर में उत्साह से मनी श्री हनुमान जयंती। झुलसा देने वाली गर्मी में यातायात कर्मी ड्यूटी बजाने पर विवश। और गुड फ्राइडे पर याद किया गया प्रभु ईसा मसीह को। केंद्र सरकार द्वारा लगाए गए अतिरिक्त कर के खिलाफ सराफा व्यवसायियों ने रेल रोको आंदोलन किया। रेलवे सुरक्षा बल व रेल पुलिस ने 70 आंदोलनकारियों को गिरफ्तार किया। सोने का आयात और उत्पादन शुल्क में केंद्र सरकार ने अतिरिक्त कर वृद्धि की है, जिसके विरोध में सराफा व्यवसायियों ने आंदोलन छेड़ रखा है। इस आंदोलन को अब उग्र रूप मिलता जा रहा है। शुक्रवार 6 अप्रैल को सुबह सराफा व्यवसायियों ने ट्रेन रोक दी, जिसके कारण अकोला रेल स्थानक पर अफरा तफरी मच गई। शुक्रवार की सुबह आंदोलनकारी सराफा व्यवसायी अकोला रेल स्थानक के प्लेटफॉर्म क्रमांक 5 पर पहुंचे, जहां अकोला पुणा ट्रेन छूटने वाली थी। तब सराफा व्यवसायी ट्रेन के सामने जा बैठे और सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी शुरू कर दी। इस बीच घटना स्थल पर रेलवे सुरक्षा बल के जवान पहुंचे और उन्होंने रेल रोको कर रहे सराफा व्यवसायियों की धर पकड़ शुरू कर दी, जिसके कारण प्लेटफॉर्म क्रमांक 5 पर अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। घटना स्थल पर रेलवे सुरक्षा बल व अकोला रेल पुलिस के थाना प्रभारी अनिल जुमले अपने दल बल के साथ पहुंचे और उन्होंने 70 आंदोलनकारियों को गिरफ्तार किया। यह आंदोलन आधा घंटा चला। केंद्र सरकार के निर्णय के खिलाफ गुरुवार 5 अप्रैल से सराफा व्यवसायियों ने श्रृंखलाबद्ध आंदोलन शुरू किया है। जब तक सरकार अतिरिक्त कर का निर्णय वापस नहीं लेती, तब तक आंदोलन जारी रहने की बात सराफा एसोसिएशन अकोला के अध्यक्ष राजकुमार वर्मा ने सिटी न्यूज से बोलते हुए व्यक्त की। सरकार जे 22 दिवसापासून हे जे जाचक कायदे एक्साइज बद्दल काढलेले आहे, त्यांच्या विरोधात आमचं 22 दिवसापासून शांततेचे आंदोलन चालू आहे, पण सरकार त्याच्याकडे काही लक्ष नाही आहे। ते वेदण्यासाठी आम्ही हे पावलं उचलून राहिलो। त्याच्याशिवाय दुसरा काही पर्याय नाही आम्हाला। पुढची दिशा आम्हाला पूर्ण महाराष्ट्र महामंडळ आणि GGF जसं आम्हाला फॉलो करतील, त्याच्या हिशोबाने आम्ही पुढची आमची दिशा ठरवू। अकोला में अत्यंत उत्साह भक्ति के साथ राम भक्त श्री हनुमान की जयंती मनाई गई। शुक्रवार 6 अप्रैल को अकोला में अत्यंत उत्साह और भक्ति के साथ राम भक्त श्री हनुमान की जयंती मनाई गई। श्री हनुमान जयंती पर सुबह से ही श्री हनुमान मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ जुटनी शुरू हो गई थी। पुरातन काला मारुति मंदिर, श्री पंचमुखी हनुमान मंदिर, अकोला के समीपस्थ हिंगना स्थित प्रसिद्ध हनुमान मंदिर, सिविल लाइन चौक स्थित श्री हनुमान मंदिर, चित्रा चौक का हनुमान मंदिर सहित सभी हनुमान मंदिरों में श्रद्धालुओं ने भीड़ की। श्रद्धालुओं ने नारियल, गुड़, चना, तेल, सिंदूर आदि चढ़ाकर श्री हनुमान जी की पूजा अर्चना की। राम भक्त हनुमान जी की जयंती पर प्रत्येक मंदिर में सुंदरकांड, भजन कीर्तन, होम हवन के साथ ही प्रसाद व महाप्रसाद वितरण के कार्यक्रम आयोजित किए गए। शहर के प्रसिद्ध श्री तपे हनुमान मंदिर में संगीत समारोह व 151 किलो लड्डू का भोग कार्यक्रम लिया गया, जिसका सीधा प्रसारण सिटी चैनल ने किया। संगीत समारोह में बांसुरी वादन, आध्यात्म साधना, भक्ति सुमन, राग रंग, अभंग वाणी आदि प्रस्तुत किए गए। अकोला में भक्ति भाव के साथ श्री हनुमान जयंती मनाई गई। अकोला की भीषण गर्मी में यातायात कर्मियों को अपनी ड्यूटी बजानी पड़ रही है। मुख्य चौराहों पर बूथ का प्रस्ताव तैयार किया गया था, जो 4 साल से फाइलों में दफन पड़ा है। अकोला की भीषण गर्मी से कोई भी अपरिचित नहीं है। इस भीषण गर्मी में शहर के यातायात को संभालने वाले यातायात कर्मियों को अग्नि परीक्षा देनी पड़ रही है। अकोला का तापमान 42 डिग्री सेल्सियस का आंकड़ा पार कर रहा है। ऐसे समय अपनी ड्यूटी बजाने वाले यातायात कर्मियों को कोई भी अपनी सहानुभूति नहीं दर्शा रहा है।
2008-2009 में शहर यातायात नियंत्रण शाखा के तत्कालीन निरीक्षक श्री शेलके ने मनपा के पास एक प्रस्ताव भेजा था। इस प्रस्ताव में शहर के प्रमुख चौराहों पर यातायात नियंत्रण शाखा के कर्मियों के लिए बूथ बनाने का सुझाव दिया गया था, परंतु पिछले 4 सालों से यह प्रस्ताव मनपा में धूल खाता पड़ा है, जिसके कारण यातायात कर्मियों को झुलसा देने वाली गर्मी में किसी तरह अपनी ड्यूटी बजानी पड़ रही है। दूसरी विशेष बात यह है कि शहर की सिग्नल प्रणाली भी ठप पड़ी है, फलस्वरूप यातायात कर्मियों को यातायात पर नियंत्रण पाने में कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। मानवता का दृष्टिकोण सामने रखते हुए यातायात कर्मियों को बूथ की व्यवस्था करने की अपेक्षा व्यक्त की जा रही है। गुड फ्राइडे पर शहर के सभी गिरिजाघरों में प्रार्थना सभाओं का आयोजन किया गया, जिसमें ईसाई समाज के नागरिक बड़ी संख्या में शामिल हुए थे। शुक्रवार 6 अप्रैल को सभी ईसाई धर्मावलंबियों ने गुड फ्राइडे पर गिरिजाघरों में प्रार्थना सभाओं का आयोजन किया गया। अपने विश्व से अलग विचारों के कारण धर्मांधों ने प्रभु ईसा मसीह को गुड फ्राइडे के दिन सलीब पर लटकाया था, लेकिन उनके विचार आज भी पूरे विश्व को प्रकाश दे रहे हैं। गुड फ्राइडे पर शहर के सभी गिरिजाघरों में प्रार्थना सभाओं का आयोजन किया गया। इस अवसर पर ईसाई धर्म के नागरिक बड़ी संख्या में उपस्थित थे। प्रभु ईसा मसीह ने अपने शिष्यों को शत्रु से भी प्रेम करने की बात कही थी। ईश्वर प्रीति है, तू अपने पड़ोसियों से भी प्रेम कर और तेरे खिलाफ अपराध करने वाले शत्रु को भी माफ कर, तभी तू ईश्वर की कृपा का पात्र रहेगा। इस प्रकार के उनके संदेश का पठन भी यहाँ किया गया। समाचारों में आगे और भी है, आप देखते रहिए सिटी समाचार। आचार्य श्री की वाणी में है ऐसा दम जो मिटा दे हमारे मन के सारे भ्रम। अकोला नगरी में पहली बार आचार्य विजय रत्न सुंदर सुरेश्वर जी महाराज साहब की 15 दिवसीय परिवर्तन प्रवचन माला। आप एक काम करो, आप जिस उम्र के पड़ाव के अभी बैठे हो ना, वहाँ से थोड़ी 10 साल आगे चले जाओ, उससे भी 10 साल आगे, और अपने आप को ऑब्जर्व करो, मैं तब क्या था और आज क्या। आपके पास हृदय आत्मिक जीवन होगा, आपके कान में रो पाएंगे भगवान कहाँ था, क्या था और क्या बन गया। यदि 10 साल पहले डॉक्टर सोचता था कि मैं ये करूंगा ये करूंगा ये करूंगा, आज इसको पूछो, वो पैसे के पीछे पागल पागल पाने कितना पागल हम सोच नहीं सकते। परिवर्तन प्रवचन माला 25 मार्च से 8 अप्रैल 2012 तक। प्रवचन स्थल मुंगीलाल बाजोरिया विद्यालय प्रांगण अकोला। विनीत सकल जैन समाज अकोला। सौजन्य हरीश भाई आलिमचंदानी, माजी नगर अध्यक्ष एवं विद्यमान नगर सेवक। बजाज टू व्हीलर के अकोला वाशिम जिले के अधिकृत विक्रेता गोयनका बजाज का अब अपनी ही भव्य आलिशान वास्तु में स्थानांतरण। आपकी सेवा में और अधिक सुविधाओं और खूबियों के साथ आपका विश्वसनीय गोयनका बजाज नई जगह में प्लैटिना, बॉक्सर, पल्सर, डिस्कवर, एवेंजर, बजाज के सभी मॉडल्स मन पसंद रंगों में, स्पॉट फाइनेंस, एक्सचेंज सुविधा के साथ में, हमारी बेहतर सर्विसेज, संपूर्ण ऑटोमेटेड वर्कशॉप, कंपनी के अनुभवी तज्ञ मैकेनिकल्स की टीम, बजाज टू व्हीलर के सभी प्रकार के ओरिजिनल पार्ट्स उपलब्ध, विनम्र, तत्पर और पारदर्शी सेवा। तो देर किस बात की, आज ही पधारिए गोयनका बजाज शिवाजी पार्क के सामने अकोट रोड अकोला। आर्यभट्ट मैथ्स एंड साइंस क्लासेस वर्ग 10वीं नवीन बैच करिता प्रवेश दिनांक 15/3/2012। फुल इंग्लिश, सेमी इंग्लिश आणि मराठी माध्यमा करिता मैथ्स साइंस इंग्लिश एकाच ठिकाणी भरपूर सराव व औचार सरांचे मार्गदर्शन। प्रत्येक रविवारी टेस्ट, प्रत्येक विद्यार्थ्याकडे विशेष लक्ष। संपर्क श्री अवचार सर, मोबाइल नंबर 9673442562। पत्ता मंगलमूर्ति अपार्टमेंट, पीकेवी कॉलोनी, अंबिका नगर, मलकापुर, अकोला। महावीर जयंती पर शराब बिक्री बंद रहने के बाद भी रेल स्थानक चौराहे पर स्थित मराठा वाइन बार से चिपकर शराब बिक्री चलती रही।
गुरुवार 5 अप्रैल को महावीर जयंती के चलते सभी और देशी विदेशी शराब दुकानें बियर बार को बंद रखने के सरकारी आदेश दिए गए थे, परंतु अकोला रेल स्थानक चौराहे पर स्थित मराठा वाइन बार से छिपे तौर पर दिन भर अधिक दाम लेकर शराब की बिक्री की गई। मराठा वाइन बार के संचालक का बार के ऊपर लॉज है। बियर बार बंद रहने के बाद भी लॉज के काउंटर के पास एक छोटी खिड़की है जो बार के भीतर खुलती है, वहीं से शराब बियर की बोतलें ग्राहकों को मुहैया कराई जाती है। प्रत्येक शराब की बोतल पर 50 रुपए अधिक लेकर कमाई की जाती है। मराठा बार के ठीक सामने भारत होटल है। मराठा बार के नियमित ग्राहकों को भारत होटल में बैठा कर शराब के पार्सल पहुँचाए जाते हैं। विशेष बात यह है कि इससे पहले एंटी गुंडा स्क्वाड व स्वयं पुलिस उप अधीक्षक श्री अमर सिंह जाधव ने यहाँ 2 बार कार्रवाई की है। रामदास पेट पुलिस को सभी कुछ पता रहने के बाद भी केवल आर्थिक व समय समय पर शराब के लाभ के कारण वह कार्रवाई नहीं करती है। राज्य उत्पादन शुल्क विभाग व पुलिस को नियमित हफ्ता देने के कारण बंद के दिनों में भी यहां जमकर शराब बेचकर अतिरिक्त कमाई की जाती है, जिसकी ओर वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को गंभीरता से ध्यान देते हुए आवश्यक कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। राजीव गांधी नगर निवासी एक युवक ने तेश में आकर रेल से कटकर आत्महत्या कर ली। इस घटना के कारण परिसर में खलबली मच गई है। गुस्से में तमतमाए युवक ने रेलवे पटरी पर अपने आप को झोंक कर आत्महत्या करने के कारण राजीव गांधी नगर परिसर में खलबली मची है। 24 वर्षीय नितेश पालखे का अपने परिजनों से कुछ बात को लेकर विवाद हुआ था। इस बात का इतना टेंशन नितेश ने लिया कि वह घर से भागकर सीधा पीकेवी परिसर स्थित रेल पटरी पर जा लेटा। उसी समय सामने से आ रही ट्रेन नितेश के शरीर से गुजरने के कारण नितेश के शरीर के 3 टुकड़े हुए। यह घटना देखने हेतु परिसर के नागरिकों ने खासी भीड़ की थी। घटना की जानकारी मिलते ही सिविल लाइन पुलिस घटना स्थल पर पहुंची थी। इस घटना के कारण परिसर में खलबली मची थी। क्रीड़ा व युवक सेवा संचालनालय द्वारा महाराष्ट्र दिन पर जिले के उत्कृष्ट खिलाड़ियों को पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। क्रीड़ा व युवक सेवा संचालनालय महाराष्ट्र राज्य पुणे अंतर्गत जिला क्रीड़ा अधिकारी कार्यालय अकोला के जरिए प्रतिवर्ष 1 मई को महाराष्ट्र दिन के अवसर पर जिले के उत्कृष्ट जिला गुणवंत खिलाड़ी, जिला गुणवंत क्रीड़ा मार्गदर्शन व जिला गुणवंत कार्यकर्ता व संगठक पुरस्कार दिया जाता है। इस वर्ष सन 2011-12 के लिए पुरस्कार दिया जाएगा। इस पुरस्कार के लिए जो शर्तें रखी है इस बारे में जिला क्रीड़ा अधिकारी श्री अब्दुल मुस्ताक सिटी न्यूज को जानकारी दी। महाराष्ट्र शासनाच्या नवीन क्रीडा धोरणानुसार मागील 5 वर्षापासून जिल्ह्यात शासनाच्या क्रीडा विभागाच्या वतीने क्रीडा युवक सेवा संचालनाचे विद्यमाने आणि जिल्हा क्रीडा अधिकारी कार्यालयाच्या वतीने दरवर्षी 1 मे रोजी जिल्हा क्रीडा पुरस्काराचे जिल्ह्यातील खेळाडू, क्रीडा मार्गदर्शक आणि क्रीडा संघटक प्रत्येकी 1 असे या 3 भागात क्रीडा पुरस्कार, जिल्हा क्रीडा पुरस्कार दिला जातो। यासाठी जिल्हा क्रीडा अधिकारी कार्यालय अकोल्याच्या वतीने 22 मार्चपर्यंत अर्ज बोलवण्यात आलेले होते, ती मुदत आता वाढून देण्यात आलेली आहे आणि 13 एप्रिलपर्यंत सदर अर्ज बोलवण्यात येत आहे। तरी जिल्ह्यातील नावाजलेले खेळाडू, क्रीडा मार्गदर्शक व क्रीडा संघटक यांनी कृपया आपली विविध नमुन्यातील अर्ज जिल्हा क्रीडा अधिकारी कार्यालयात पाठवावे, जेणेकरून उत्कृष्ट खेळाडू, उत्कृष्ट क्रीडा मार्गदर्शक आणि क्रीडा संघटक यांना पुरस्कार वितरणाचे कारवाई करण्यात येईल। भगवान महावीर की जयंती पर भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें जैन समाज के नागरिक बड़ी संख्या में शामिल हुए थे। विश्व को सत्य, अहिंसा, असत्यय और अपरिग्रह का संदेश देने वाले जैन धर्म के संस्थापक भगवान महावीर की जयंती पर गुरुवार को पुराना शहर के सेनगण दिगंबर जैन मंदिर से भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। इस शोभा यात्रा में जैन समाज की महिला पुरुष बड़ी संख्या में शामिल हुए थे। ढोल ताशों की गूंज, गरबा व दांडिया रास ने समा बांध दिया था।
शोभा यात्रा में शामिल भगवान महावीर की मूर्ति सभी के आकर्षण का केंद्र साबित हो रही थी। इसके अलावा शोभा यात्रा में भगवान महावीर के जीवन चरित्र के अंश दिखाने वाली झांकियां भी शामिल थी। शहर के प्रमुख मार्गों से होती हुई यह शोभा यात्रा वसंत थिएटर के पास स्थित शांतिनाथ चैत्रालय पहुंची, जहां इस शोभा यात्रा का समापन हुआ। अकोला के रेल स्थानक पर सुविधाओं का अभाव होने के कारण यात्रियों को भारी शारीरिक व मानसिक कष्ट झेलने पड़ रहे हैं। अकोला के रेल स्थानक को भले ही मॉडल रेल स्थानक का दर्जा मिल गया हो, लेकिन यहां सुविधा नाम की कोई चिड़िया अभी तक उड़ती दिखाई नहीं दे रही है। जिस प्रकार जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है, उसके अनुसार ट्रेनों की बोगियां भी बढ़ाई जा रही है। अकोला के रेल स्थानक के प्लेटफॉर्म क्रमांक 1 पर पूरे प्लेटफॉर्म की लंबाई तक टिन शेड व आसन सुविधा उपलब्ध है, लेकिन प्लेटफॉर्म क्रमांक 2, 3, 4, 5 पर आधी जगह पर ही टिन शेड लगे हैं। सबसे बुरा हाल प्लेटफॉर्म क्रमांक 6 और 7 का है, यहाँ एक भी टिन शेड नहीं लगाए गए हैं। अकोला की गर्मी अभी से ही 40 डिग्री का आंकड़ा पार कर रही है। मीटर गेज ट्रेनों से बड़े प्रमाण में लोग दूर की यात्रा पर जाते हैं। मीटर गेज ट्रेनों की समय सारणी भी लड़खड़ाई हुई है। मीटर गेज ट्रेनें घंटों देरी से चल रही है। झुलसा देने वाली गर्मी, प्लेटफॉर्म पर टिन शेड नदारद, गर्म फर्श, छाया की कोई व्यवस्था न होने के कारण मीटर गेज यात्रियों को भीषण परेशानी झेलनी पड़ रही है। ट्रेन का इंतजार करने वाले कई यात्री लू का भी शिकार हुए हैं। यात्रियों की भारी परेशानी को देखते हुए सभी प्लेटफॉर्म पर टिन शेड व आसन सुविधा उपलब्ध कराने की जरूरत आ गई है। टॉन्सिल का इलाज कराने सरोपचार अस्पताल में गई युवती लापता हो गई है, जिसकी जानकारी देने का आह्वान किया गया है। सरोपचार अस्पताल में टॉन्सिल का उपचार कराने गई खैर मोहम्मद प्लॉट निवासी 20 वर्षीय शिरीन परवीन गुलाम गोस लापता हो गई है। उपरोक्त छायाचित्र वाली शिरीन परवीन अपने पिता के साथ सरोपचार अस्पताल में गई थी। महिलाओं की भीड़ के कारण पिता ने उसे वार्ड क्रमांक 10 में भेजा था, तब से वह लापता है। यदि लापता युवती किसी को दिखाई दे अथवा उसकी जानकारी हो, वह पुलिस थाने अथवा मोहम्मद मुस्तफा के मोबाइल क्रमांक 8149819595 अथवा 8888758588 पर संपर्क कर सकता है। इस प्रकार का आह्वान किया गया है। पातुर में सीता जी महाराज की यात्रा का आयोजन संपन्न हुआ। इस यात्रा में ग्रामीण इलाकों के सैकड़ों लोग शामिल हुए थे। पातुर में अत्यंत उत्साह व भक्तिपूर्ण वातावरण में सीता जी महाराज की यात्रा का आयोजन किया गया। सीता जी महाराज की यात्रा को देखते हुए पूरा परिसर विद्युत रोशनी से सजाया गया था। यात्रा के मुख्य दिन सुबह महाआरती, प्रवचन के बाद दही हांडी का कार्यक्रम लिया गया। दही हांडी का प्रसाद लेने के लिए सैकड़ों की संख्या में लोग यहाँ आए थे। शाम के समय 40 क्विंटल गेहूं के महाप्रसाद का आयोजन किया गया। सीता जी महाराज के दर्शन व यात्रा में शामिल होने के लिए कई गांव के सैकड़ों लोग पहुंचे थे, जिसके कारण यात्रा को मेले का स्वरूप प्राप्त हो गया था। सीता जी महाराज मंदिर परिसर में कई प्रकार के सामानों की दुकानें लगाई गई थी। इस यात्रा को सफल बनाने के लिए पातुर के सभी सामाजिक संगठनों के कार्यकर्ताओं ने विशेष प्रयास किया। बार्षी टाकली के रेडवा गांव के तलाठी पंजीयन के लिए 500 रुपए मांग रहे हैं, इस प्रकार की शिकायत तहसीलदार के पास की गई है। बार्षी टाकली तहसील के अंतर्गत आने वाले रेडवा गांव के किसान राम तीरथ सावजी राठौर ने रेडवा के तलाठी पर आरोप लगाया है कि उन्होंने अपनी खेती का खरीदी खत पंजीयन के लिए 10 फरवरी को दिया था। तब से लेकर आज तक उनकी खेती का पंजीयन नहीं किया गया है। पंजीयन के लिए रेडवा के तलाठी 500 रुपए की मांग कर रहे हैं। किसान राम तीरथ राठौर ने बार्षी टाकली के तहसीलदार के पास शिकायत कर तलाठी पर आवश्यक कार्रवाई की मांग की है। दर्शन चव्हाण त्याच्याकडे शेतीच्या नोंदीसाठी वारंवार फिरलो, कागद दिले, 2 महिने झाले, तो 500 रुपये मागून राहिला होता। म्हटलं मी गरीब माणूस देऊ शकत नाही तुला, तर म्हणे माझ्याकडे होत नाही म्हणे। मग तुमच्या तुम्ही कुठेही फिरा म्हणे, कोणत्याही ऑफिसरांनी तुम्ही लुटून घेईल या भाषा बोलते तहसीलदाराची आता तहसीलदाराची बरं काही नाही ते आवाज आपण देऊन द्या म्हणे म्हटलं बस। अंत में एक नजर आज के सुर्खियों पर। Thank you.
सराफा व्यवसायियों ने किया रेल रोको। शहर में उत्साह से मनी श्री हनुमान जयंती। झुलसा देने वाली गर्मी में यातायात कर्मी ड्यूटी बजाने पर विवश। और गुड फ्राइडे पर याद किया गया प्रभु ईसा मसीह को। फिर मिलेंगे शहर की ताजा जानकारी तथा महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ। नमस्कार। गांव गांव, शहर शहर, सिटी चैनल पहुंचे घर घर। गांव की चौपल हो या शहर की बात, सिटी चैनल रहेगा हमेशा आपके साथ।